आज की रात्रि वास्तव में बहुत महान है। कितने वर्षों पश्चात मिल रहे हैं? बहुत बहुत। एक प्रश्न पूछूं आपसे महादेव? तांडव की ताल पर गरजने वाले महादेव आज रास में कैसे थिरके? प्रलय का तांडव करने वाले के हृदय में सृजन का रास देखने की इच्छा भी जागृत हो सकती है नारायण। और हाँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने न केवल मुझे प्रेम रास के दर्शन करवाए, अपितु प्रेम के शुद्धतम स्वरूप के दर्शन भी कर पाए। परंतु प्रेम और मोह के मध्य अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, जिसे मनुष्य अधिकतर अनदेखा कर देता है। कब प्रेम को मोह और मोह को प्रेम समझ बैठता है, जान ही नहीं पाता। परंतु राधा और कृष्ण का यह प्रेम संसार को इसका अंतर समझाएगा। यह संसार प्रेम की परिभाषा भूल बैठा है, परंतु राधा और कृष्ण अपने प्रेम द्वारा संसार को यह बताएं कि जहां वास्तविक प्रेम होता है, वहां ना वासना होती है, ना काम, ना लालसा, ना इच्छा। यदि कुछ होता है तो केवल परम आनंद। एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। यदि महादेव ने मेरी प्रेम की राह स्वीकार की है तो अवश्य ही यह संसार के लिए उदाहरण बनेगी। वैसे मुझे भी आपको धन्यवाद देना है महादेव। किस बात का? आपके आने से ये रात महाराज जो बन गया। आपने स्त्री का रूप धारण किया है महादेव। स्त्री जो समर्पण का प्रतीक होती है, निस्वार्थ भाव का प्रतीक होती है। और जो समर्पण से प्रेम करेगा, निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, वो अवश्य ही प्रेम का अर्थ समझेगा। इसलिए यहां प्रत्येक गोपी आज से आपकी आराधना करेगी। आज से आप गोपेश्वर के नाम से पूजे जाएंगे महादेव। जब गोपेश्वर का ध्यान होगा तभी भक्ति का उत्थान होगा। आपसे एक अनुरोध है। एक अंश में आप यहां भी विराजे, जिससे कोई बुरी शक्ति या भाव वृंदावन को अपावन न कर पाए। वृंदावन के रक्षक के स्वरूप में आप यहां स्थापित हो महादेव। जो आज्ञा। ये लिंग स्वरूप आज से गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। और इस गोपेश्वर की स्थापना मेरी प्रथम गोपी, मेरी परम प्रेमिका, मेरी राधे करेगी।
मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। चलो ये देखो, यही है जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। न जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे भली भांति परिचित हूं। जानती होंगी, कदाचित भूल गई होंगी। मेरी आराध्य हैं, मन की बड़ी ही भोली, शक्ति की स्वामी, हृदय की विशा और कैलाश की ही भांति अटल विश्वास है मुझे। आशीर्वाद लो इनका। शीघ्र ही अपने कृष्ण में लौट जा, यही मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हारे लिए। अद्भुत, अति सुंदर, धन्यवाद। इसे जहां भी रखोगी वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। अच्छा कृष्ण, आप आज्ञा दो। पुनः भेंट होगी अवश्य कुछ वर्षों पश्चात। की रात्रि सच में बहुत अद्भुत थी कृष्ण। ये मेरे जीवन की सबसे आनंदमय महारात्रि थी। है राधा, अभी ये महारात्रि शेष है। क्या शेष है कृष्ण? एक क्षण रुको, मैं अभी बताता हूं। आज मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। दूं?
होलोग्राम बहुत अद्भुत तुमने बनाया। अब बोलो, कोई नहीं है रात्रि अधिक आनंदमय। शालिग्राम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं राधे, संकट में हमें शक्ति देते हैं, इन्हें सदैव अपने पास रखना। मैं जीवन भर स्वयं से कभी अलग नहीं होने दूंगी, और रही बात कठिनाइयों की, तो वो जब आएंगी तब देखेंगे। वर्तमान इतना सुंदर और सुखद है कि भविष्य पे ध्यान ही नहीं जाता। भविष्य से मुंह नहीं फेरा जा सकता राधे, उसे तो आना ही है।